नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास थ्री के जी इज एट रेस्ट नाउ अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू सिक्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस फोर टी जे कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड नाउ नाउ इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं कि आपको फोर्स दिया हुआ है uh, सबसे पहले तो मास इज इक्वल टू थ्री के जी अपने को दिया हुआ है उसके बाद हमें फोर्स दिया हुआ है सिक्स टी स्क्वायर सिक्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस आपका फोर टी जे कैप आपका फोर्स uh, है अपने को पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है सो उसको हम लिख सकते हैं कि acceleration विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड by मास सो uh, so अपना acceleration हो जाएगा इसे हम थ्री से डिवाइड करें सो दिस विल बी टू टी स्क्वायर आई कैप डिवाइड बाय फोर बाय थ्री टी जे कैप आपका हो गया एक्सेशन नाउ वी नीड टू फाइंड वॉट विल बी दलोसिटी एट टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड नाउ Uh, इस केस में हम डायरेक्ट न्यूटन के जो इक्वेशन uh, है उसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में अप्लाई होती है जब आपका एक्सोलेशन कॉन्स्टेंट हो नाव यहां पे अगर नोटिस करेंगे तो एक्सोलेशन अपना वेरिएबल है सो so, इस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को पता है कि ए दैट विल बी इक्वल टू डी वी बाय डी टी दैट विल बी इक्वल टू टू टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस फोर बाय थ्री टी जे कैप नाउ Uh, अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करें सो वी कैन से डी वी विल बी इक्वल टू डी टी अगर इधर ले जाएं, सो दिस विल बी टू टी स्क्वायर डी टी आई कैब प्लस फोर बाय थ्री टी डी टी जे कैब इसको अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें एंड uh, इंटीग्रेशन uh, करते हुए टाइम के लिमिट हमें रखनी है जीरो से थ्री सेकेंड बिकॉज दैट्स वॉट इज बींग आस्ट ये हमसे पूछा है जीरो से थ्री सेकेंड क्या होएगा सो so इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो अपनी वी की वैल्यू आ जाएगी विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब डिवाइड बाय थ्री वैल्यू जीरो से थ्री तक प्लस फोर बाय थ्री टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय टू वैल्यू जीरो से थ्री तक अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो दिस विल टू बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री का क्यूब विच इज ट्वेंटी सेवन माइनस जीरो ट्वेंटी सेवन प्लस ये होएगा फोर बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन बाय टू इन दोनों को ऐड करके अपनी फाइनल वेलॉसिटी की वैल्यू आ जाएगी एंड रिमेंबर दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप सो ये आई कैप और ये जे कैप इे सॉल्व करके विल गेट आर फाइनल वैल्यू सो दिस विल बी विच मीन्स फाइनल रिजल्ट वी विल बी इक्वल टू सो दिस विल बी नाइन टू एटीन आई कैप प्लस दिस विल बी ट्वेल्व बाई टू विच इज सिक्स सिक्स जे कैप सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से एटीन आई कैप प्लस सिक्स एटीन आई कै प्लस सिक्स जे कैप यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम